सभी को नमस्कार। एक छोटी सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये पार्सल मुझे संजय गुप्ता जी की वेबसाइट से मिला है। जो न्यू ईयर का सेल था उसमें मैंने कुछ ऑर्डर किए थे, और इससे पहले मैं कुछ दूसरे ऑर्डर को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इस पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप चेक करके आप पढ़ लेना पॉज करके, कि अगर इसमें कुछ डैमेज वगैरह निकलता है तो उसके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कॉमिक्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, आई थिंक उनके ग्रो होने का रीज़न भी यही है शुरुआत में। इतनी अनबॉक्सिंग्स वगैरह हुआ नहीं करती थी, बहुत रेयरली ऐसे कुछ चैनल वगैरह हुआ करते थे कॉमिक्स के। पर अभी भी चैनल लिमिटेड ही हैं, और कोई बहुत ज़्यादा इस पर इतना वो नहीं किया जाता। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आइटम है, चेक कर लेता हूँ। बिल वगैरह देखना पड़ेगा थोड़ा सा, देख लेते हैं। छोटा सा पार्सल है। इससे पहले जो पार्सल ऑर्डर किया था वो नहीं आया, उसका वेट था मुझे। ये तो कोई छोटा सा कॉमिक्स नहीं है इसमें, कुछ नोवल्टीज़ हैं। ये जो अभी निकली हैं वो शायद कुछ एक्स्ट्रा नोवल्टीज़ है, कुछ स्टिकर्स हैं, कुछ पोस्ट कार्ड्स हैं। और मैंने हर सेल में देखा है कि कुछ स्पेसिफिक नोवल्टीज़ को चूज़ करके सभी को वो नोवल्टी दे दी जाती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो इट्स गुड थिंग। ये कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स हैं जो पहले, ये स्टिकर्स वगैरह हैं, कुछ कॉमिक्स के साथ फ्री आते थे ये, वो हैं। तो ये कुछ MDF के स्टिकर्स हैं, और MDF स्टिकर्स हैं एक्चुअली संजय गुप्ता जी के, जो MDF स्टिकर्स सम्राट संस्करण के साथ फ्री आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आते हैं। और ये उन्होंने अलग से निकाले। तो इसमें कुछ सेट थे उनके, नागराज, ध्रुव, डोगा, इस तरीके के कुछ सेट बनाए थे उन्होंने। तो नागराज का जो मैंने देखा, उनका कैटलॉग देखा, तो वो मुझे बिल्कुल वही लगा। पहले जो युगारंभ के दो वेरिएंट थे, युगारंभ है, नरक नाशक प्रीमियम है, उसके अलावा आतंकर्ता के जो नरक नाशक के ही जो इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन आए थे पहले, तो उनमें वो पहले फ्री आ चुके थे। एग्जैक्ट तो वो नहीं होंगे, पर उनका जो जो स्टाइल, जो आर्ट चूज़ किया गया था, तो इस वजह से नागराज की मैंने एक भी सिलेक्ट नहीं किया। एक तो मेरा फेवरेट ये मल्टी स्टार वाला रहेगा, ये एक MDF स्टिकर है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। इसको मैं पॉलीबैग से भी निकालूंगा, अच्छी क्वालिटी का MDF है। इसका प्राइस मुझे नहीं पता, 200, 250 या 150 था पता नहीं, पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी। इसके ऊपर ग्लिटर, एक अलग टाइप का ग्लिटर है। अब तक जो संजय गुप्ता जी ग्लिटर दे रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। गुड, एक अच्छी क्वालिटी का MDF है। इसको देखिए, इस पुनरुत्थान वाले की याद आ गई, हालांकि इस पर कोई ग्लिटर नहीं था, पर इस साइज़ इसका इसके बराबर है, जो कि एक कॉमिक्स के बराबर था। ठीक है, और इसमें मैंने एक आपको संभावना पहले बताई थी, मुझे इसका अगर आप बेस देखोगे तो आपको लगेगा कि इसका स्टैंड ही बन सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि जो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी टीम है, उन्होंने जो फाउंडेशन सेट 1 और 2 निकाला था, आधार श्रृंखला जो थी, 8 कॉमिक्स थी, उसका भी संग्राहक संस्करण एक आने वाला है। आई थिंक उसमें ये स्टैंडी हमको मिलने वाला है ऐसा, और शायद इसीलिए इसका प्राइस कम था, क्योंकि इसके अलावा एक सेम साइज़ का और था, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। ये 100-100 रुपये का है सुपरमान ध्रुव के। इनको पॉलीबैग से निकालने का मतलब नहीं है, दिखने साफ साफ, और नहीं काम पड़ेगा, इसको भी रख देता हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब 150 का अगर था, मुझे चेक करना पड़ेगा, 150 था या 200 था, जो भी था, ये बढ़िया क्वालिटी का विंटेज आर्ट को लिए हुए, और अभी मेरे स्टेबल की शोभा बढ़ाएगा। अच्छी क्वालिटी की नॉवल्टीज है, नो डाउट, बॉर्डर वगैरह यूज़ किए गए, और देख लेते कितने टोटल। ध्रुव का एक तो मैंने आपको दिखाया है ना, विंटेज आर्ट वगैरह है, और ये सारे आर्ट हमको स्टिकर्स के फॉर्म में देखने को मिले हैं। शायद हु जो सीरीज था हॉरर वाला, आई थिंक उसमें थे ये सारे, मुझे याद आ रहा है ये। वो मैंने अमेजोन से ली थी, फिर उसमें कुछ पेज का कुछ प्रॉब्लम था, फिर उमा कार्ड से मैं लिया था। तो ये इसमें शायद 8 इन्होंने शामिल किए थे। अगेन वैसा ही बढ़िया क्वालिटी का MDF है, और आपको साइज़ वगैरह बिल्कुल वैसा मिलेगा जैसा हमारे पास में नरक नाशक के इंडिविजुअल आए थे, इसलिए मैंने नहीं लिया। बस नागराज में आई थिंक बस ये थोड़ा ब्लैक बॉर्डर एक्स्ट्रा मिल जाता है, और इस तरीके की ग्लिटर होगी, अदरवाइज सारे होते। तो ध्रुव के मिलेंगे आपको सारे, अच्छे लग रहे हैं मुझे, मुझे काफ़ी पसंद आए ये। 8 हैं ये, बिल्कुल शायद हु की कॉमिक्स में 8 थी, और स्टिकर्स थे, वो पेपर स्टिकर थे, और इनमें से देखिए मैं आपको बताता हूँ, शायद ये भी, ये देखिए बिल्कुल। तो क्वालिटी तो खैर बिल्कुल लो थी उनकी, पर आर्ट आपको सेम मिल रही थी। तो सेम MDF मिले हैं, पहली बार ध्रुव के इतने MDF हमको देखने को मिले हैं। और ये डोगा के हैं, ये बबल रैप पूरा खाली हो चुका है, इसको उठा देते हैं। ध्रुव और डोगा दो मैंने करे थे, और साथ में मल्टी स्टार रबर बैंड कितने घातक हो सकते हैं मैं बता चुका हूँ। डोगा के दिखाता हूँ, 1, 2, 3 सेम वे ग्लिटर, 4, 5, 6,
सेवन और एट, मतलब आठ डोगा के और आठ ध्रुव के, ठीक है, वो है ये यहाँ कहीं, ये देखिए जो उनके संग्राहक संस्करण था शायद डोगा उत्पत्ति के साथ, शायद ये फ्री मिला था, या तो रक्त रक्षक था या डोगा उत्पत्ति, देखो बिल्कुल यही आर्ट यूज़ किया गया, देखिए आप कंपेयर आप कर सकते हैं, MDF है सेम टाइप का ही, थोड़ा सा बस ये कि बॉर्डर ब्लैक कर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं लोग कि लेज़र कट से थोड़ा येलो येलो मार कर जाता है, सेम ही तो ऐसे ही, मतलब ये मैं आपको कंपेयर के लिए दिखा रहा हूँ। तो एक मैंने डोगा का एग्जांपल लिया, तो मैंने तो सारे ही संग्राहक संस्करण जो संजय गुप्ता जी के लिए रखे हैं, तो उसमें क्या था नागराज जितने भी इन्होंने आर्ट शामिल किए वो ऑलरेडी है मेरे पास में, और शायद वो भी डबल होंगे, आई थिंक वो डबल होंगे, तो इस वजह से मैंने नागराज के अवॉइड करे, क्योंकि आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं, तो ये अच्छा आपके लिए कंपेरेटिव हो जाएगा, सेम ही क्वालिटी है, बस बॉर्डर का थोड़ा बहुत फर्क आर्ट में, थोड़ा बहुत चेंजेस करके थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर वगैरह कर दिए गए। तो आई थिंक ये अनबॉक्सिंग, छोटी सी अनबॉक्सिंग भी आपको पसंद आई होगी, अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब उस तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और वैल्यू फॉर मनी है, अच्छा लगा मुझे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।